स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं? कॉलेज स्कूल साढ़ के लिए नहीं तो खतरा हो जाएगा भैया। साढ़ के लिए स्कूल खुलना चाहिए ना, जरूरी है बाबू। साढ़ के लिए एक स्कूल खुलना चाहिए है? किसी तरह से चाहिए ना, ये खतरनाक है ना। एक साढ़ के लिए स्कूल खुल जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, साढ़ के लिए स्कूल खुलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। इजूसा डायमंड ज्वेलरी, हमारा सपना हर कोई पहन सके हीरा। चौक पर मैं खड़ा था और ये देखिए आतंक, जबरदस्त आतंक। दो सांड निकाय चुनाव में, दो सांड आपस में बुरी तरह से आतंक मचाए हुए हैं। और ये देखिए पूरी पब्लिक, किसी तरह से किसी तरह से सांड जो है, और एक बहादुर आदमी ने पानी डाला। कैसे सारे सांड यही आ गए क्या? क्या बोल रहे थे? नहीं, सांडों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, कोई ना कोई व्यवस्था नहीं है। ए भैया, सांडों का एक स्कूल खुल जाना चाहिए। एकदम एकदम एकदम, सांडों का स्कूल खुलना चाहिए, सांडों के लिए खुलना चाहिए राजू भैया। चलिए सांड के लिए एक स्कूल खुलना चाहिए। योगी जी, योगी जी की जय हो। सांड के लिए एक स्कूल जरूर खोलिए भैया। बाबू, सांड के लिए एक स्कूल खुलना चाहिए, खुलना चाहिए कि नहीं? देखिए भैया, सांड से जो अभी आतंक मचा हुआ था, क्या लगता है स्कूल खुलना चाहिए ना सांडों के लिए? चलिए सांड के लिए स्कूल खुले। मैं आपको ले चलता हूँ उस आदमी के पास। ये देखिए अभी भी अभी चलिए, अभी देख मैं दिखाता हूँ आपको, अभी रुके रहिएगा। अभी सांड वहाँ पर है, आतंक मचा हुआ है। और अगर सांड के लिए स्कूल नहीं खुला तो आज ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए भैया, सांड के लिए स्कूल खुलना चाहिए ना, ये खतरनाक है ना। एक सांड के लिए स्कूल खुल जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, सांड के लिए स्कूल खुलेगा। चलिए सांड के लिए इस देश में कुछ स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए। और नहीं खुलेगा तो आने वाले समय में बहुत खतरा हो जाएगा। आज तो दुर्घटना होने से बच गई। अरे बाप रे बाप, सॉरी सर। एक मैं आपको ले चलता हूँ। सब बाबा के आदमी थे। ये बताइए कि सांड के लिए स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं? नहीं खुलेगा तो इसी तरह से खतरा हो सकता है, आज लोग मर सकते थे। सांड के लिए स्कूल खुलेगा भैया? आप ही पानी से बचा रहे थे ना? सब लोग भाग खड़े हुए थे और पानी से इन्होंने बचाया सबको। सांड के लिए स्कूल खुलना चाहिए कि नहीं? कॉलेज स्कूल सांड के लिए नहीं तो खतरा हो जाएगा भैया। सांड के लिए स्कूल खुलना चाहिए ना, जरूरी है। चलिए इस वीडियो को देखिए और सरकार तक भेजिए अगर सांड के लिए स्कूल। ये है किसके आदमी साहब? भाई सांड भी बताइए, सांड के लिए ये धरती तो सबकी है, सबका हक है। भाई धरती जो किसी के बाप की जागीर थोड़े है। नहीं, के बाप की जागीर। अगर सांडों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आगे दुर्घटनाएं हो सकती है। पुलिस वाले सांड को बचाने ट्रेनिंग थोड़ी दे दी गई है, हैं? चलिए आगे देखिए और मेरी बात पूरी दुनिया में पहुंचा दीजिए कि सांड के लिए या ऐसे लोगों के लिए स्कूल होना चाहिए या नहीं। करके अखुल के समर्थन करा, राजीव तलवार के खुल के समर्थन करा, राजीव तलवार के उठावे ले आवाज, राजीव तलवार जी उठावे ले आवाज, राजीव
तलवार। नमस्कार राजीव तलवार जी, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र पटेल आगरा से। आपने जो चिंगारी लगाई थी अब 16 बनती जा रही है, आग का रूप भी लेगी। आपका अंदाजे बयान ही अलग है। बहुत जल्द ही आपका कारवा बहुत बड़ा होगा। समय जरूर लग रहा है लेकिन आप जीतेंगे। इजुसा डायमंड ज्वेलरी, BIS हॉलमार्क डिजाइनर गोल्ड ज्वेलरी, IGI सर्टिफाइड।